हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब अध्ययन करने वाले हैं सिंथेसिस का। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इसमें दो या दो से अधिक छोटे से छोटे वाक्यों को मिला करके एक वाक्य में बनाना, वही सिंथेसिस कहलाता है। इसको तीन विधियां हैं बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के रूप में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब यह है कि अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब एक्सप्रेस्ड आर अंडरस्टूड। मतलब कि साधारण वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, चाहे वह प्रकट हो या छिपी हुई हो, एक से अधिक कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो अब सिंपल सेंटेंस को आठ भागों में बांटा गया है, आठ तरह से हम पढ़ते हैं। पहला है पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनिटिव, तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, चौथा है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जिरंड, पांचवा है बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन, छठा है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज, सातवां है एडजेक्टिव और आठवां है कंजक्शन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं पार्टिसिपल का। अब पार्टिसिपल का हम अध्ययन करेंगे तो इस पार्टिसिपल को भी बांटा गया है तीन पार्ट में। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि अभी एक कार्य समाप्त नहीं हुआ रहता है तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, यानी पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच में जो समय का अंतर है वह शून्य है, जीरो है, कोई अंतर होता नहीं है। तो इसीलिए इसको हम पहचान के रूप में यह कह सकते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि एक काम अभी समाप्त नहीं हुआ होता है तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसको कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ही वॉज हंग्री ही टुक फूड, वह भूखा था वह भोजन किया। अब इसमें देखना है कि अभी कहा गया है कि इसमें मुख्य क्रिया हो सहायक क्रिया जो भी हो एक ही बार आना चाहिए, फाइनाइट वर्ब एक ही बार आना चाहिए, उसके पश्चात अगर कोई भी वर्ब आता है तो यह सिंपल सेंटेंस से परिवर्तित हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। तो अब क्या है दिया है कि ही वाज हंग्री वह भूखा था, इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है, केवल यह सहायक क्रिया के रूप में आया है। यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ वर्ब टुक है, यहाँ पर सहायक क्रिया वाज है, तो क्रिया एक ही बार आना है। तो दिया है वह भूखा था वह खाना खाया। तो अब ये पहचानेंगे कि एक कार्य समाप्त नहीं हुआ है तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो जा रहा है, कैसे? तो यहाँ ये है कि वह भूखा है और भूखा होने पर ही भोजन किया है, ऐसा नहीं है कि भूख उसका मिट गया है तब उसने भोजन किया है, भूख का कार्य भी जारी है, उसी में उसने भोजन किया है ताकि भूख समाप्त हो जाए। तो अब इसमें अगर वर्ब होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी जो कार्य पहले हुआ रहता है। अगर वर्ब नहीं है तो वर्ब न होने पर सहायक क्रिया यानी इज, एम, आर या वाज वर, वाज अगर वर हो तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं बी में और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग कर देते हैं। जैसे दिया ही वाज हंग्री, सब्जेक्ट एक ही है, यह भी कि पूरे जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें एक ही बार वर्ब आना चाहिए और एक सब्जेक्ट का प्रयोग एक ही बार होना चाहिए, दूसरी बार उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से हम वाज से शुरू करेंगे तो वाज को बदल देंगे बी में और आईएनजी, जो बचा हुआ है पहले सेंटेंस में उसको हम लिख देंगे बींग हंग्री, कॉमा लगा करके दूसरा वाक्य लिख देंगे ही टुक फूड। तो इसका अर्थ निकलता है कर, पर और हुए, तो हो जाएगा बींग हंग्री, भूखा होने पर ही टुक फूड, उसने भोजन किया, क्योंकि कार्य समाप्त नहीं हुआ है तभी उसने भोजन किया हुआ है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि सी वाज थर्स्टी, वह प्यासी थी, सी ड्रैंक वाटर, वह पानी पी। तो यहाँ भी वही है कि उसकी प्यास अभी समाप्त नहीं हुआ है तभी वह पानी पी है, तो यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि एक कार्य समाप्त नहीं हुआ है
तभी दूसरा शुरू हो रहा है। यहाँ भी सब्जेक्ट सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ सहायक क्रिया दिया है, यहाँ मुख्य क्रिया दिया है, तो इसलिए इस वाच को हम परिवर्तित कर देंगे बीइंग में, तो बीइंग थर्स्टी। और दूसरा सेंटेंस उतार देंगे कॉमा लगाकर, ही ड्रैंक वाटर। अगला सेंटेंस, यू सा स्नेक, यू रैन अवे। अब यहाँ यहाँ भी क्रिया है, यहाँ भी क्रिया है, दोनों जगह मुख्य क्रियाएं दी हुई हैं, लेकिन सब्जेक्ट दोनों जगह एक ही है, तो इसलिए वह सांप देखा वह भाग गया। तो ऐसा नहीं है कि सांप देखने का काम समाप्त हो गया तब भाग गया, यानी सांप अभी उसके नज़रों के सामने ही है, देख रहा है, और तभी यह भागना शुरू कर दिया, तो इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब अगर कोई क्रिया दिया है तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिख करके हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हो गया सीइंग अ स्नेक। और दूसरा सेंटेंस कॉमा लगा कर लिख देंगे, यू रैन अवे, सांप देख कर तुम भग गए। अगला है मोहन हियर्ड द नॉइज, मोहन शोर सुना, ही गॉट अप, वह जग गया। तो यहाँ भी वही हाल है कि शोर समाप्त नहीं हुआ होगा तभी जगा, क्योंकि जब जगा होगा तभी शोर हो रहा होगा, तो शोर सुनकर वह जग गया। तो यहाँ भी सब्जेक्ट मोहन है, इसके लिए प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट का कार्य दोनों एक ही कर रहे हैं, तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म पर का फर्स्ट फॉर्म लिख कर आईएनजी जोड़ देंगे, तो हियरिंग द नॉइज। अब ही मोहन के लिए आया है तो मोहन उठा के यहाँ लिख देंगे, मोहन गॉट अप। अगला है द चाइल्ड सा हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ को देखा, ही बिकेम हैप्पी, वह प्रसन्न हो गया। तो उसके देखने का काम समाप्त नहीं हुआ है, यानी देख भी रहा है अपनी मम्मी को और प्रसन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ भी चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए ही आया है, यहाँ सा, यहाँ बिकम है, तो सा को फर्स्ट फॉर्म में लिख करके आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो गया सीइंग हिज मदर, ही की जगह द चाइल्ड आ जाएगा, द चाइल्ड बिकेम हैप्पी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई सा सम मंकीज, मैं बाजार जा रहा था, मैंने कुछ बंदरों को देखा। तो यहाँ वाज भी दिया है, गोइंग भी दिया है, तो जो आईएनजी पहले से दिया हुआ है वहीं से लिख दें, क्योंकि बाज़ार जा रहा है, बाज़ार पहुँचा नहीं है, अभी रास्ते में है, क्योंकि यह दे रहा है बाज़ार जा रहा था, मैंने कुछ बंदरों को देखा, तो जाने का काम समाप्त हो गया रहता तो प्रेजेंट से नहीं बनता, लेकिन जा भी रहा है और जाते समय रास्ते में ही उसने मंकी को देखा है, तो इसलिए यहाँ गोइंग से लिख देंगे, गोइंग टू मार्केट, मतलब बाज़ार जाते हुए आई सा सम मंकीज। अब एक तीन वाक्य में देखते हैं, दे रहा है कि सी वाज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रही थी, सी सा सम पीपल, उसने कुछ लोगों को देखा, दे वर क्वेरेलिंग, वे झगड़ा कर रहे थे। तो यहाँ भी सब्जेक्ट सी, यहाँ भी सब्जेक्ट सी, पहले इनको हम बनाते हैं कि वह बाज़ार जा रही थी, वह कुछ लोगों को देखी, तभी पीछे बना हुआ है, उसी की तरह है। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि गोइंग टू स्कूल, सी सा सम पीपल, तो उसी तरह इसको लगा देना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में यह पहले से दिया हुआ है, तो गोइंग टू स्कूल सी सा सम पीपल। अब देखना है सम पीपल हो गया, इस पीपल के लिए यहाँ दे आया है, तो पीपल लग गया तो दे समाप्त हो जाएगा, अब दे को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मुख्य क्रिया यानी आ चुका है, तो यह भी सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे, जो बचा है वह लिख दिए, हो गया कि बाज़ार जाते हुए या बाज़ार जाते समय उसने कुछ लोगों को झगड़ा करते हुए देखा। एक और तीन वाक्य में देखते हैं, द हंटर रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया, मतलब कि हंटर ने अपने गन को उठाया, ताना, उसने निशाना साधा,
और उसने टाइगर को मार दिया, तो गन तानने का काम भी समाप्त, यानी ताने हुए है और तान कर ही निशाना भी ले रहा है और निशाना लेते हुए उसने टाइगर को मार दिया, तो तीनों काम एक साथ हो रहा है और सब्जेक्ट तीनों जगह एक ही है, तो इसलिए जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा रेजिंग तानते हुए हिज गन, अपने बंदूक को, फिर कॉमा ही, फिर आया हुआ है ही, यहाँ भी उसी के लिए दी हंटर, तो इसलिए इसको भी हटा करके इसको भी पार्टिसिपल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो टेकिंग एम, और ही हंटर के लिए है तो यह हंटर उठ करके यहाँ आ गया, तो हो जाएगा दी हंटर शॉट दी टाइगर, हो गया, यानी निशाना साधते हुए नहीं, रेजिंग ही गन, अपने बंदूक को तानते हुए, टेकिंग ए, निशाना साधते हुए शिकारी ने टाइगर को मार दिया, तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। तो सिंपल सेंटेंस में जो हमारा पार्टिसिपल है उस पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हुआ। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का भी एक पहचान है, तो पहचान क्या है कि इसमें एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, यानी पूरी तरह से पहला काम समाप्त होगा तभी दूसरा कार्य शुरू होगा। जैसे दिया ही टुक फूड, उसने भोजन किया, ही वेंट टू स्कूल, तो वह भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद ही स्कूल गया, ऐसा नहीं है कि भोजन भी कर रहा है और स्कूल भी जा रहा है, इसमें दिया कि भोजन कर लिया वह विद्यालय गया, तो ऐसे वाक्यों में अगर एक कार्य समाप्त हो जाता है दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसको लिख देंगे अदर सेंटेंस, तो सब्जेक्ट दोनों जगह एक ही है, वह भोजन किया और वही विद्यालय गया, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट होने पर हैविंग पहले लग जाएगा, उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो टुक का टेकन हो गया, यहाँ हो गया फूड, कॉमा लगा के दूसरा वाक्य लिख देंगे ही वेंट टू स्कूल। अगला ही फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना कार्य समाप्त किया और ही वेंट अवे, वह चला गया, तो उसी तरह वह कार्य समाप्त करके ही गया है, कार्य उसका बाकी नहीं है तब वह गया है, तो इसीलिए अभी परफेक्ट है, के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, समाप्त किया है तब गया है, तो यहाँ हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट अवे, मतलब है कार्य समाप्त करके वह चला गया, इसमें भी कर पर आ रहा है कर। अगला दिया है सी बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक को खरीदा और सी रिटर्न्ड होम, वह घर लौट आई, तो ऐसा नहीं है कि पुस्तक भी खरीद रही है और घर भी लौट रही है, पुस्तक खरीदने के बाद ही घर लौटी है, तो यह भी परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसलिए हैविंग बॉट अ बुक सी रिटर्न्ड होम, यानी पुस्तक खरीद करके वह घर लौट गई। अब देखते हैं अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो, लेकिन अभी एक्टिव वॉइस एक और है, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया और वह चला गया, तो कमरा साफ करने के बाद ही गया है, ऐसा नहीं कमरा भी साफ कर रहा और जा रहा है, तो इसलिए अभी उसी तरह बन जाएगा, तो हैविंग स्वेप्ट द रूम, अभी के लिए ही सर्वेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा द सर्वेंट वेंट अवे। अब देखिए पैसिव वॉइस में होने पर इस हैविंग के साथ, यानी जो हैविंग लगा हुआ है इसके साथ बीन लगा देते हैं,
जैसे दिया है, सी वॉज पनिश्ड बाई मी, उसे मेरे द्वारा दंडित किया गया, या वह मेरे द्वारा दंडित की गई। सी फेल्ट सॉरी, वह बहुत दुखी हुई। तो अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन का हम प्रयोग कर देंगे, तो हैविंग बीन क्रिया थर्ड फॉर्म ही रहेगा, पनिश्ड बाई मी दूसरा सेंटेंस उतार देंगे, सी फेल्ट सॉरी। अब आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल पे। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल में पहला कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो गया रहता है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया का तीसरा रूप। तो दिया है आई फाउंड माई पेन, मैं अपना कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो चुका था, यानी बहुत पहले ही यह खो गया था पेन, यानी पहला काम हो चुका, उसके बाद आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया है। तो जो इसमें पास्ट पार्टिसिपल होगा वह हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करेगा इसमें, और जिसकी विशेषता बताएगा तो यह खोया हुआ जो है वह मेरा पेन है, तो इस पेन के पहले उठा करके इसको रख देंगे, क्योंकि विशेषण यानी एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन की विशेषता बताता है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आई फाउंड माई, और यह उठ करके इसके पास आ गया तो हो गया लॉस्ट पेन, कि मैं अपना खोया हुआ कलम पाया, हो गया। इट लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इट पेन के लिए आवाज लगेगा नहीं, सहायक क्रिया है क्योंकि मुख्य क्रिया आ चुका है, इसलिए हो गया मैं अपना खोया हुआ पेन पाया। आगे है सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी, और द बुक वॉज टॉर्न, वह पुस्तक फटी हुई थी, तो फटने का काम पहले ही हो चुका था, ऐसा नहीं है कि दी है तब फटा है, उसके पहले ही हो चुका था, तो यह फिर विशेषण का कार्य करेगा पुस्तक का, इसलिए पुस्तक के पहले लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी गेव मी अ टॉर्न बुक, हो गया। आगे दिया है कि वी वर गोइंग टू स्टेशन, हम सब स्टेशन जा रहे थे, हम लोगों ने एक पेड़ को देखा और पेड़ वह गिरा हुआ था। तो यहाँ देखिए, हम सब स्टेशन जा रहे थे, हम लोगों ने एक पेड़ को देखा, तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, क्योंकि एक स्टेशन भी जा रहे हैं और उसी समय हमने पेड़ को देखा, तो पहले इसको हम बना लेते हैं, यहाँ भी तो गोइंग से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा गोइंग टू स्टेशन, उसके बाद सब्जेक्ट यानी वी सा अ ट्री, हम लोगों ने एक पेड़ को देखा, लेकिन पेड़ क्या था, फॉलन गिरा हुआ था, पहले जब हम लोग देखे पेड़ को तो उसके पहले से गिरा हुआ था, तो यह गिरा हुआ इसकी विशेषता है, तो यहाँ हो जाएगा फॉलन ट्री, हो गया। हम सब ने यानी स्टेशन जाते हुए हम सब एक गिरा हुआ पेड़ देखे। अब लास्ट देखते हैं इसका, दिया है कि द सोल्जर्स वर वुंडेड, जो सैनिक थे वह जख्मी थे, घायल थे, दे वर सेंट टू हॉस्पिटल, उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। तो ये जो जख्मी थे सोल्जर थे, सिपाही थे, पहले से ही जख्मी थे, ऐसा नहीं है कि जब यह कोई देखा है तब जख्मी, उसके पहले ही जख्मी थे, तो इसलिए यह इसकी विशेषता बता रहा है, यही जख्मी यही थे, तो इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा द वुंडेड सोल्जर्स, हो गया। अब इस सोल्जर्स के लिए दे आया है, समाप्त हो गया। अब ये वाक्य पैसिव वॉइस में जैसे है तो जैसे है वैसे उतार देंगे, वर सेंट टू हॉस्पिटल, हो गया कि घायल सैनिकों को अस्पताल भेजा गया। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इस टॉपिक को यानी पार्टिसिपल को आप लोग पसंद किए होंगे, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा।
तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि अगर नहीं समझ में आया है तो इसको रिवाइंड कर करके देखिए, बार बार देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको अपने जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह अच्छी तरह से आ जाए। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन, गुड बाय।